नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। सीता सोरेन से जुड़े हुए हर शख्स को जेएमएम से निकाला जा रहा है, यानी कि दुर्गा सोरेन सेना से जुड़े हुए हर शख्स को जेएमएम से निकाला जा रहा है अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है जेएमएम से निष्कासित उन नेताओं का जिन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। अभी हाल के दिनों में पार्टी ने जेएमएम से राकेश पासवान को निष्कासित किया है और उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दुर्गा सोरेन के लिए वो आगे भी काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और सिर्फ दुर्गा सोरेन सेना में शामिल होने के नाम पर उन्हें पार्टी से नहीं निकाला जा सकता है। उन्होंने ये भी बड़ा आरोप लगाया कि पार्टी में जो ऊंची जाति है उनका वर्चस्व हो रहा है। और इस वक्त फोन लाइन पर खुद जुड़ गए हमारे साथ राकेश पासवान। राकेश पासवान जी, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, जेएमएम से आपको निष्कासित किया गया, क्या यही जो आरोप आप लगा रहे हैं वजह वही है कि आप दुर्गा सोरेन सेना से जुड़े हुए हैं? जी जोहार। देखिए, दुर्गा सोरेन सेना से जुड़े हैं, लेकिन ये तो एक मदर पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक विंग है जी। जैसे बसंत सेना बनाया गया, एमएन सेना बनाया गया, सिंह आर्मी बनाया गया था, तो उसी ढंग से बाबा सिविल सोरेन के पोतियों ने भी दुर्गा सोरेन सेना बनाया। तो ये गैर राजनीतिक संगठन है जिसमें मैं शरीक हुआ, साथ हुआ, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। तो उनके लेकिन क्या इस सोना को, सेना को गुरुजी का समर्थन है? क्योंकि दुर्गा सोरेन की दोनों बेटियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था गुरुजी के आवास से ही, उनका समर्थन है दुर्गा सोरेन सेना को? जी, जैसा दुर्गा सोरेन सेना डीएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सोरेन जी ने बताया था कि बाबा का समर्थन है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो आशीर्वाद दिया है तो मुझे लगा कि एक मदर पार्टी का दिन तैयार है, तो इनके साथ रहने में बुरा नहीं है, क्योंकि इनके साथ नए चेहरे जुड़े थे और सभी नए चेहरे के साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल। तो क्या सिर्फ दुर्गा सोरेन सेना से जुड़ने की सजा ही आपको मिली है? आपने आरोप लगाया कि साजिश के तहत हटाया गया है, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अब फॉरवर्ड जाति का वर्चस्व हो गया है जेएमएम में और ऐसे लोगों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है। जी, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, मुझे तो, लेकिन आरोप तो आप ही का है राकेश जी। जी, हमने तो ऐसा आरोप नहीं लगाया है, लेकिन उनका जो लेटर है, आपका झामुमो को महासचिव हैं और संगठन के साथ प्रवक्ता हैं, उन्होंने आप लगाया है कि हम झामुमो के किसी भी जिला कार्यालय में शरीक नहीं हुए, जबकि ऐसा नहीं है, हर प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। पूरा झारखंड मुझे जानती है कि मैं बचड़ के हिम्मत गया के आदेश पे हिस्सा लिया। राकेश जी, आपने अपना पक्ष रखा, इससे पहले भी जेएमएम ने कई लोगों को निकाला, 8-9 लोगों की लिस्ट थी जिन्हें निष्कासित किया गया, क्या आप लोगों ने पक्ष रखा अपना? सीता सोरेन से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई है और हेमंत भैया से भी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन अपनी पक्ष, अपनी दुख दर्द तो बयां करने के लिए उनके पास रखूंगा कि आखिर किस आधार पर मुझे बाहर किया गया और प्राथमिक सदस्यता से बाहर किया गया, जबकि केंद्रीय समिति में हम शामिल थे। तो अभी भी आप खुद को जेएमएम का कार्यकर्ता मानते हैं? अभी भी हम जेएमएम का कार्यकर्ता है और दुर्गा सोरेन सेना से अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। चलिए, तो आपकी बात, आपने कहा कि आप रखेंगे हेमंत सोरेन के सामने, सीता सोरेन के सामने, लगता है आपकी बात सुनी जाएगी और आपका जो ये निष्कासन है, निलंबन है, वापस लिया जाएगा? हम तो अपनी बात रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत भैया से और अपनी पक्ष रखेंगे कि हमारी गलती त्रुटि कहाँ है बताए, अगर ऐसा था तो एक बार बुला के पूछना चाहिए था, हम अपनी बात को समझ जाते। तो क्या आपको, आपसे स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था, आपसे कोई जवाब नहीं मांगा गया? नहीं, वो डायरेक्ट निलंबित किए, जबकि मैं आजीवन सदस्य हूँ, ये अधिकार माननीय गुरु जी का ही निकालने का आदेश हो सकता है जी। तो इसके लिए फिर तो पार्टी में आपने बात रखी है, आवेदन दिया है? मैं दूंगा जाकर, अभी थोड़ा सा बाहर में आया था ट्रीटमेंट में स्वास्थ्य जांच के लिए जी, और जैसे ही रांची पहुंचेंगे तो एक हेमंत भैया से अपनी मुलाकात करेंगे, अपनी बात। ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है, कुछ तो वजह होगी? अब तो ये वजह हम भी नहीं जानते, क्या संगठन में है, क्या नहीं है, क्या गलतियां हमसे हुई, और वो डायरेक्ट बात कर दी है तो उस चीज को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन त्रुटि कहाँ, गलती कहाँ है तो वही तो बता पाएंगे।
चलिए, तो आरोप ये भी है कि जितने लोग दुर्गा सोरेन सेना से जुड़ रहे हैं उन पर ये कार्रवाई हो रही है, क्या उसे पैरलर जेएमएम के पैरलर माना जा रहा है क्या दुर्गा सोरेन सेना को? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम कह नहीं सकते। चलिए राकेश जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी भी उम्मीदें हैं कि इनकी बात सुनी जाएगी और खुद को अभी भी समर्पित कार्यकर्ता मानते। शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं राकेश जी, शायद उम्मीद है कि पार्टी वापस ले रहे हैं, लेकिन एक एक कर, आपने पहले भी देखा जो लिस्ट जारी की गई उसके बाद राकेश पासवान, जिन जिन लोगों ने दुर्गा सोरेन सेना से जिन लोगों ने भी जुड़ा है उन पर एक एक कर कार्रवाई हो रही है, जो आरोप इन्होंने पहले लगाए हालांकि अब टीवी पर ये आरोप से मुकर रहे हैं, क्या सही है कि कर उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? इस बात में कोई शक नहीं है कि झामुमो कहीं ना कहीं अघोषित तौर पर दुर्गा सोरेन सेना को अपने लिए खतरे के तौर पर देखती है। हालांकि खुद सीता सोरेन और उनकी दोनों बेटियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि दुर्गा सोरेन सेना जो है वो गैर राजनीतिक दल है, नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, लिहाजा इसे जेएमएम के पैरेलल खड़ा करना मुनासिब नहीं है। लेकिन इस तरह के विषय दुर्गा सोरेन सेना ने अपने लिए तय किया है, जल जंगल जमीन की बात हो, विस्थापन की बात हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये बुनियादी मुद्दे हैं झामुमो के लिए, लिहाजा कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में चुनाव में ये कहीं ना कहीं उनको चुनौती देती हुई नजर आएगी। यही वजह है कि झामुमो अभी से ही उस तमाम कोशिश को करती हुई नजर आ रही है जिसके तहत ये किया जाए कि जो भी दुर्गा सोरेन सेना से या फिर जो अघोषित तौर पर जो भी सीता सोरेन के नजदीकी हो उन पर कार्रवाई करने की कवायद की गई है। हालांकि पार्टी ने जो पत्र जारी किया है उसमें इस बात का जिक्र नहीं होगा, जाहिर सी बात है आधिकारिक तौर पर इस बात को नहीं रखा जा सकता है, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ काम करने की बात हो, पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आने की बात हो, इन बातों को उसमें रेखांकित किया गया है। लेकिन खुद जब राकेश पासवान जी से कल हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो पिछले कई वर्षों से झामुमो के लिए समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर पलामू से काम करते रहे हैं और उन्होंने नाम लेकर कहा है कि जो लोग पार्टी का चेहरा इन दिनों बने हुए हैं वो लोग कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि राकेश पासवान जैसे लोग सामने आए और कहीं ना कहीं उनका उनकी जो दाल नहीं गलेगी, लिहाजा यही वजह है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि वो आने वाले दिनों में उनकी ये बात चल रही थी और बहुत हद तक बात बन भी गई थी कि झारखंड राज्य SC ST आयोग अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है, लिहाजा कहीं ना कहीं इसको लेकर भी एक रणनीति बनी और षड्यंत्र रचा गया जिसमें खुद जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल हैं और पलामू के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका भी नाम भी उसमें उन्होंने शामिल किया है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिस तरह से आनंद फानन में पार्टी के जो महाधिवेशन से पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है उसमें पार्टी संविधान के खिलाफ जाने की कोशिश की गई है। पार्टी का संविधान इस बात को साफ तौर पर कहता है कि एक जिला अध्यक्ष जो है वो 3 बार का टर्म पूरा कर सकता है, चौथी बार उसे नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन कई जिलों में इस बात का उल्लंघन हुआ है, यही वजह है कि कुछ दिनों बाद पार्टी के स्तर पर पार्टी संविधान संशोधन समिति की बैठक होने जा रही है जिसमें पार्टी का संविधान बदलने की तैयारी है। ये गंभीर बात हो सकती है अगर जिस तरह राकेश पासवान ने कहा है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी पार्टी का क्या पक्ष है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो भी दुर्गा सोरेन सेना एक और आरोप जो बेहद गंभीर है कि अब फॉरवर्ड के हाथ में पार्टी चली गई है। मिथिलेश ठाकुर, विनोद पांडे और पिंटू पर आरोप लगाया राकेश पासवान ने कि कुछ लोगों के इशारे पर भी पार्टी चल रही है और फॉरवर्ड लोगों को तवज्जो दी जा रही है और ऐसे जो बाकी दलित चेहरे हैं, दलित समुदाय हैं या जो आदिवासी समाज है वो कहीं ना कहीं अब पीछे जा रहा है पार्टी से। बिल्कुल, झामुमो खुद को यहाँ की मूलवासी लोगों की पार्टी साबित करने की कोशिश करती है और जिस तरह से आंदोलन की जमीन रही है झामुमो की, इस बात में इंकार भी नहीं किया जा सकता कि जो झारखंड के गठन में, झारखंड के आंदोलन में झामुमो की अग्रणी भूमिका रही है। लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से खुद आप सीता सोरेन से जब पिछले दिनों बात हो रही थी तो उन्होंने भी इशारे इशारे में इस बात को कहा है कि जो पार्टी के खिलाफ लोग हैं, जो पार्टी के कहीं ना कहीं तोड़ने की अप्रत्यक्ष तौर पर कोशिश कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री उनके पक्षधर कहीं ना कहीं नजर आते। हालांकि उन्होंने नाम लेकर तो नहीं कहा था, लेकिन इनका इशारा साफ तौर पर है कि जो आज के दिनों में पार्टी के कामकाज को लेकर चेहरा बने हुए हैं उन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है और पार्टी का जो नेतृत्व है वो उन लोगों पर भरोसा कर रहा है, ये कहीं ना कहीं घातक हो जाएगा। आपने याद होगा कि सोशल मीडिया में किस तरह से तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जो सीता सोरेन ने कहा था कि पार्टी बेईमानों के चंगुल में चली गई है, दलालों के चंगुल में चली गई है, वो इन लोगों के बारे में ही कहा गया था, हालांकि उनका उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया था।
लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से इशारों ही इशारों में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले या पार्टी के दूसरे दलों से संबंध रखने वालों पर कार्रवाई हो रही, इस बात में बिल्कुल शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है कि झामुमो बिल्कुल सतर्क होकर काम कर रही है। यही वजह है कि जो भी उनकी निगाह में ऐसा खटकता हुआ चेहरा नजर आता है उनको वो बाहर का रास्ता दिखाते हैं। राकेश पासवान ही एक चेहरा नहीं है बल्कि पिछले दिनों कई और लोगों को भी पार्टी से बाहर निकाला गया, वो लोग बाद में दुर्गा सोरेन सेना की सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो इससे साफ है कि जो लोग झामुमो में नहीं रहेंगे वो दुर्गा सोरेन सेना में जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती पेश होने वाली आने वाले दिनों में हो सकती है। जो दुर्गा सोरेन सेना है फिलहाल बार बार ये कहा जा रहा है कि वो गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन जिस तरह से अब जेएमएम के जो विक्षुब्ध हैं वो उससे जुड़ते जा रहे हैं और जेएमएम जिस तरह से अब कार्रवाई कर रहा है, जो दुर्गा सोरेन सेना से जुड़ रहे हैं जेएमएम के समर्थक, तो कहीं ना कहीं एक पैरलर पार्टी आने वाले दिनों में इसे हम देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो राजनीतिक पंडित है उस बात से इंकार नहीं करते हैं, भले ही आप इसे जाहिरी तौर पर आवरण के तौर पर ये कह दें कि गैर राजनीतिक पार्टी है, गैर राजनीतिक संगठन है, लिहाजा इसे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, जो लेकिन जो विषय का चयन किया गया है उन विषयों का चयन जो है वो झामुमो से साफ तौर पर मिलता हुआ है। आप जल जंगल जमीन की बात करेंगे, विस्थापन की बात करेंगे, मूलवासियों की बात करेंगे, आदिवासियों की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, तो ये सब बेहद जो मुद्दे हैं वो बेहद झामुमो के करीबी मुद्दे हैं। लिहाजा इन विषयों को फिर से दुर्गा सोरेन सेना के द्वारा कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश करना और ये बताने की कोशिश करना कि गैर राजनीतिक दल है, ये बात बहुत पस्ती हुई नजर नहीं आती है। हालांकि खुद उनकी सीता सोरेन की बेटियों ने कहा है कि दुर्गा सोरेन सेना सरकार को कहीं ना कहीं वो एक फीडबैक देने का काम करेगी और सरकार को चेहरा दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर कोई आप लड़ाई के लेकिन तो लेकिन इस सेना के संगठन के जरिए शाहनवाज ऐसा नहीं लगता कि जयश्री और राजश्री को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, राजनीति के मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यह आप भविष्य की योजनाओं के तहत ही सीता सोरेन ने इस कवायद को किया है और कहीं ना कहीं वो खुद जरूर सामने नहीं आए हैं, लेकिन अपनी बेटियों को सामने किया है। आप ये भी देखिए कि जिस तरह से दुर्गा सोरेन जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनका पार्टी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और पार्टी में जिस तरह से वो दमखम से रहे हैं, हालांकि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बेटियां इस बात को समझती हैं कि उनको उनका जो उनके परिवार को खास करके इंडिविजुअल जो परिवार है उनका, उनको जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं ये घोषित नहीं है लेकिन आप घोषित तौर पर इस बात को स्वीकार करते हैं और उपेक्षित महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं यही वजह है कि राजनीतिक जमीन की तलाश के तौर पर ये दुर्गा सोरेन सेना का गठन हुआ है, लेकिन अब ये मुसीबत ये हो गई कि जो भी उससे संबंध रख रहे हैं और जो भी झामुमो से नजदीकी हैं उन पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। हालांकि पार्टी इसको खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं करती है, पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि इन डिसिप्लिन की वजह से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन राजनीतिक पंडित इस बात को बेहद अच्छी तरीके से समझते हैं कि दुर्गा सोरेन से नजदीकी से संबंध रखने वाले लोगों पर आने वाले दिनों में भी गाज गिरनी लाजमी है। चलिए शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग भी दुर्गा सोरेन सेना से जुड़ रहे हैं, जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उन पर एक एक कर कार्रवाई हो रही है, भले ही आरोप अनुशासनहीनता का लगा हो, लेकिन अब आवाजें उठ रही हैं कि जुड़ने की सजा मिल रही है दुर्गा सोरेन सेना से। भले ही राजनीतिक संगठन इसे ना कहा जा रहा हो, लेकिन इसे लेकर जेएमएम में खौफ जरूर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 22 स्कोप के साथ।